सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भाई द फॉलोइंग रेंट अकाउंट अपियर्ड इन डिक्सन लेजर। डिक्सन के लेजर में ये रेंट अकाउंट दिया हुआ है, याद है पाप अकाउंट, लेकिन ये जो पाप अकाउंट है इन्होंने बनाया है थ्री कॉलम फॉर्मेट में। थ्री कॉलम क्या है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, बजाय इसके कि टी अकाउंट में बनाया, इन्होंने थ्री कॉलम फॉर्मेट में बनाया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। डिक्सन ऑलवेज पे रेंट इन एडवांस, भाई अगर एडवांस में रेंट दे ऑलवेज हमेशा, तो हमेशा क्या आना चाहिए हमारा बैलेंस आना चाहिए डेबिट। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 ये डेबिट आ रहे हैं, लेकिन आखिरी बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। इसका मतलब हर दफा वो जो है वो टाइम पे पैसे नहीं दे रहा, कभी कभार पैसे लेट भी दे रहा है, सही है ना। तो ऑलवेज पे दिस अकाउंट नहीं हो सकता, याद रखें ये जो ऑलवेज वाला वर्ड है ना इसमें मसला है। अगर बोलता है नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा, ओनली एक ही तरीका है, तो ज्यादातर ये गलत होते हैं, सही है। तो याद रखें कीवर्ड्स ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये ज्यादातर गलत होते हैं। तो ये बात गलत है कि भाई हमेशा एडवांस में दे रहा है, अगर हमेशा एडवांस में दे रहा होता तो ये सारे क्रेडिट आ रहे होते, सॉरी बल्कि सारे जो है वो डेबिट आ रहे होते प्रीपेड, सही है ना, एक क्रेडिट आ रहा है। तो कह रहा है ऑलवेज पे रेंट इन एरियर्स, यार अगर हमेशा एरियर में दे रहा होता तो ये सारे फिर क्रेडिट आ रहे होते, ये सारे डेबिट क्यों आ रहे हैं। कह रहे बोथ पे एंड रिसीव रेंट, यहाँ रिसीव रेंट की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ रेंट पेबल का अकाउंट बना हुआ है, सही है ना। क्या एंट्री बनाते हैं, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, इसका मतलब ये पाप अकाउंट है, अप्पा अकाउंट नहीं है, सही। डिक्सन सम टाइम पे रेंट इन एरियर्स, ये बात सही है, सम टाइम्स या मे या माइट, तो ये ज्यादातर सही होता है। कभी कभार एरियर्स है, अगर आप देखें सारे डेबिट आ रहे हैं सिर्फ एक क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब कभी कभार एरियर्स है, बाकी सारे जो है वो डेबिट। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा डी, सही जी।